हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लिनिक। आई एम डॉक्टर लक्ष्मी, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन न्यू दिल्ली। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, लोगों को अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है सर्वाइकल कैंसर को लेकर। और जो मेरी वीडियो है वो भी बहुत लंबी है, तो लोग जो हैं आधे घंटे की या 20 मिनट की वीडियो देखने में बहुत आलस करते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लिपिंग्स लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि जो बिल्कुल मेन पॉइंट है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, वो आप लोगों को मैं समझा सकूँ और आप इस डिजीज की जो सिवरिटी है और जो सीरियसनेस है उसको समझ सकूँ। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर का मतलब है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो कि लेडीज को होता है, औरतों को होता है, लड़कियों को होता है। डेट सर्वाइकल कैंसर, जो हमारा यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसके माउथ को हम सर्विक्स बोलते हैं। तो ये सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। कुछ लोग इसको गर्दन वाला सर्वाइकल समझ लेते हैं, तो ये वो वाला कैंसर नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू नेक और नेक पेन या सर्वाइकल जो पेन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग इज कि आप लोगों को मैंने फरवरी मंथ को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ ही बना रखा है। मैं डेली अपने स्टेटस पर और अपने क्लिनिक में पोस्टर्स के थ्रू सबको अवेयरनेस कैंपेन ये चला रही हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी वैक्सीनेशन ले सकें और इसके बारे में जान सकें। जो सर्वाइकल कैंसर है वो सेकेंड हाइएस्ट कॉज ऑफ डेथ है लेडीज़ में। हर साल 1 लाख लेडीज को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है, जिसमें से 70,000 लेडीज की डेथ हो जाती है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। यानी कि हर 7 से 8 मिनट में एक लेडी को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है। और इससे भी ज्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि यही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आप सिर्फ एक टीका लगवाकर इस जानलेवा कैंसर से बच सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस जो लेडीज हैं या जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग जो है ये इंजेक्शन नहीं लगवा पाते हैं या नहीं लगवाते हैं डॉक्टर से, और उसकी वजह से उनको आगे जाकर ओल्ड एज में सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है वो ये पूछा है कि हम अपनी लड़कियों को ये वैक्सीनेशन क्यों दिलवाएं, या जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, हम उनको ये वैक्सीनेशन क्यों लगवाएं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि 13 ईयर्स टू 45 ईयर्स, 13 साल से लेकर 45 साल तक की लेडीज को ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, उनको हम ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी में हमें इसको नहीं देना है, प्रेगनेंसी के अलावा अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हो तब भी आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हो। तो जो सबसे अच्छी जो एज मानी गई है ना, वो मानी गई है 13 ईयर्स एंड अबव, यानी कि जो यंग एज है, जो यंगर गर्ल्स हैं, उसी टाइम पर अगर आप इस इंजेक्शन को लगवाएंगे तो वो सबसे अच्छा माना गया है। वाई? बिकॉज उस टाइम पर आपकी जो बॉडी है यंग होती है, तो बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे से इंजेक्शन को या वैक्सीनेशन को रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी। तो मैं यही बोलूंगी कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी अपनी लड़कियों को ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, आपको लगवाना चाहिए। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि उनके बर्थडेज पर, उनके एनिवर्सरीज पर महंगे महंगे गिफ्ट्स देने के बजाय आप उनको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का गिफ्ट क्यों नहीं देते हो, जो कि उनके लिए एक लाइफ सेविंग है, उनके लिए एक बून है। तो शादी होने से पहले ही आपको उनको ये वैक्सीनेशन करवा देनी चाहिए। सेक्शुअली एक्टिव होने से पहले ही अगर उनको ये इंजेक्शन लग जाएगा तो ये इंजेक्शन के, तो इस कैंसर के होने का जो खतरा है वो, उससे भी वो बच सकेंगी। और अगर इंजेक्शन लग ही जाएगा तो फिर उनको कैंसर होगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मुझसे पूछा है कि किन किन लेडीज को ज़्यादा खतरा है सर्वाइकल कैंसर होने का। तो या मैं ये बोलूँ कि रिस्क फैक्टर्स में कौन कौन जो लेडीज़ हैं वो, उनको ज़्यादा रिस्क है कि उनको ये कैंसर जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले जिनकी कम उम्र में शादी हुई है, जिनके कम उम्र में बच्चे हुए हैं, जिनकी बहुत सारी डिलीवरीज हुई है, या जिनकी बहुत सारी डीएनसीज हुई है,
उन सभी लेडीज को सर्वाइकल कैंसर होने का ज्यादा रिस्क रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आप जितनी बार भी आपकी डिलीवरी होती है या जितनी बार भी आपकी सफाई होती है, अबॉर्शन होता है, उतनी बार ही जो सर्विक्स है, जो हमारा बच्चेदानी का मुंह है, उस पर चोट लगती है, वो इंजर्ड होता है। तो जब उस पर इंजरी होगी तो हमारी बॉडी उसको हील करेगी, फिर दोबारा आपकी, फिर से 1 साल बाद फिर से आपकी अगर डीएनसी हुई है तो फिर से उसको ट्रॉमा होगा, इंजरी होगी, फिर से बॉडी हील करेगी। तो ये जो प्रोसेस है ट्रॉमा का, इंजरी का, फिर हीलिंग का, अगेन ट्रॉमा, अगेन हीलिंग, अगेन ट्रॉमा, अगेन हीलिंग, तो इस प्रोसेस की वजह से कई बारी जो सर्विक्स होता है वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है एचपीवी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, वायरस से, और उसकी वजह से वो उसको जो है सर्वाइकल कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी भी कम उम्र में शादी हुई हो या मल्टीपल डिलीवरीज हुई हो या मल्टीपल उनकी डीएनसीज हुई हो, अबॉर्शंस हुए हो, या जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, वो सभी इस सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर में आ जाती हैं। इसके अलावा जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, फाउल स्मेल आती है या गंदा पानी आता है पीरियड्स के बीच में, या इरेगुलर पीरियड्स हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे ब्लीडिंग होती रहती है, कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, उन सब लोगों को भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिनको इंटरकोर्स के बाद, यानी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती है, जिनको इंटरकोर्स के बाद सडन, ऑल ऑफ अ सडन स्पॉटिंग या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उनको भी चांसेस ज्यादा होते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के। और इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो नहीं करती हैं, यानी कि जब पीरियड्स टाइम होता है उस टाइम पर अगर आप लोग प्रॉपर अपने जो सैनिटरी पैड्स हैं उनको प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, या उनको टाइम टू टाइम आप चेंज नहीं करते हैं, हर 6 घंटे में या हर 4 घंटे में, 6 घंटे में अगर आप अपने पैड्स चेंज नहीं करते हैं, सुबह से लेकर रात तक एक ही पैड आप यूज़ करते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ये ज़्यादा होती है, और वो जो है ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं एचपीवी वायरस इन्फेक्शन के। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। आप अपने बच्चियों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइए कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे करना है। अगर आप टैम्पून्स यूज़ करते हैं, अगर आप मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करते हैं, तो आपको उनको कैसे यूज़ करना है, उनको कैसे चेंज करना है, उनको कैसे वॉश करना है, और आपको सैनिटरी पैड अगर आप यूज़ करते हैं तो उनको आपको कैसे यूज़ करना है, उसकी जगह आपको कपड़ा यूज़ नहीं करना है, आपको सैनिटरी पैड्स अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको टाइम टू टाइम आपको चेंज करते रहना है। क्यों करना है? क्योंकि उसमें एक एक जेल टाइप एलिमेंट होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर आप एक ही पैड को ज़्यादा लंबे टाइम तक, सुबह से लेकर रात तक यूज करते रहेंगे, तो वो जो जेल है उसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही एचपीवी इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको ज़्यादा होते रहते हैं। और अगर आपको कोई भी प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, इचिंग है, डिस्चार्ज है, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, होती रहती है, ऑन एंड ऑफ होती ही रहती है, लेकिन आप उन सभी इन्फेक्शंस को अगर इग्नोर करते रहते हो तो उन वो लोग भी जो हैं वो कैंसर होने के रिस्क फैक्टर में सीधा सीधा आ जाते हैं। इसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि हमें ये कैंसर हो सकता है या आगे जाकर हो सकता है, या हम एक रेड एरिया में हैं कि हमें ये कैंसर हो गया है। तो देखो, बड़े दुख की बात है कि इसका कोई भी सिम्टम हमें इनिशियल स्टेज पर, पहली स्टेज पर पता नहीं चल पाता है। लेकिन फिर भी अगर मैंने पहले भी आपको बताया यही है कि अगर आपको पीरियड्स के बीच में गंदा पानी आ रहा है, आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो रहा है, आपको फाउल ऑडर, फाउल स्मेल आ रही है वजाइना से, या फिर अगर आपको इंटरकोर्स के बाद ऑल ऑफ अ सडन ब्लीडिंग हो जाती है, या मेनोपॉज हो गया है फिर भी आपको ऑल ऑफ अ सडन ब्लीडिंग हो गई है, तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स हम मान सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हमारी बॉडी में हुआ है जो कि नॉर्मल नहीं है, तो फिर हम इसको मान सकते हैं कि ये जो है चांसेस हैं सर्वाइकल कैंसर होने के। लेकिन इसका कोई भी
ऐसा कोई भी इसका मतलब टू द पॉइंट कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि ये हो गया तो अच्छा इसको सर्वाइकल कैंसर ही होगा, ऐसा नहीं होता. ऐसा इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता है, इसकी रोकथाम ही इसका इलाज है. इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको इसका इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए. इसके दो तरह के इंजेक्शन आते हैं, सर्वरिक्स और गार्डिसल. दोनों में से आप कोई भी लगवा सकते हो. जो सर्वरिक्स है वो सिर्फ कैंसर को, सर्वाइकल कैंसर के लिए लगाया जाता है, और जो गार्डिसल है वो सर्वाइकल कैंसर प्लस जो वेजाइनल या जो पेल्विक एरिया पे जो वार्ट्स हो जाते हैं, वार्ट्स के लिए भी वो उन दोनों को कवर करता है. तो आप इनमें से कोई भी लगवा सकते हो. और इसके अलावा इसका जो है इसको हम सिर्फ टेस्ट के थ्रू ही जांच कर सकते हैं. इसका जो टेस्ट है HPV पैप स्मियर टेस्ट आता है, जो हम हर 3 से 5 साल के बीच में आपको करा लेना चाहिए. जो भी लेडीज हैं उनको अपना HPV पैप स्मियर टेस्ट हर 3 से 5 साल के बीच में करवा लेना चाहिए. उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो आपके जो सेल्स हैं वो डिस्प्लेजिया कंडीशन में हैं, यानी कि प्री कैंसरस अगर स्टेज में है, तो हम पहले ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. और फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही इजीली ये क्योर हो सकता है. हिस्टरेक्टमी करके हम यूट्रस को निकाल सकते हैं और पेशेंट की जान बचाई जा सकती है. अगर ये सेकेंड थर्ड स्टेज में हमें पता चलता है तो फिर हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती हैं. उस टाइम पर थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए आपको इसके लिए अवेयर कराना मेरा फर्ज है, और ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप इस कैंसर को समझें, इसकी सीरियसनेस को समझें. और अगर एक कैंसर से बचने के लिए एक टीका लगवाकर अगर आप किसी कैंसर से बच सकते हो, अपनी बच्चियों को, बेटियों को, सबको बचा सकते हो, देन वाई नॉट टू इंजेक्ट दैट इंजेक्शन. आपको उसको ज़रूर ज़रूर लगवा लेना चाहिए. मैं आपसे यही इस वीडियो के थ्रू आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, ताकि आप सब लोग जो हैं इस बीमारी के लिए अवेयर हो सकें. और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उसको उनको पता चल सके कि एक इंजेक्शन से हम इतनी खतरनाक और इतनी डेडली बीमारी से हम बच सकते हैं. सो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, आपको मेरा मैसेज समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सबको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सब लोगों को अवेयरनेस मिल सके और सब लोगों को इसके लिए नॉलेज मिल सके, और सबकी जो है हेल्दी लिविंग स्टार्ट हो सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.